ये है टेक्नो स्पार्क 70। वैसे अगर मैं स्पार्क सीरीज के बारे में बात करूं टेक्नो की, तो ऑलराउंडर फोन्स प्रोवाइड करते हैं बजट रेंज में 8-9 हज़ार प्राइस या फिर उससे भी कम की प्राइस रेंज में ऑलराउंड फोन प्रोवाइड करते हैं। जब मैं ऑलराउंड कहता हूं, इसका मतलब डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, इन सब मामले में। अगर मैं टेक्नो स्पार्क 70 के बारे में बात करूं तो इसमें बड़ी बैटरी आती है, जी हाँ, 6000 मिली एम्पियर, बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है। वैसे दोस्तों आज इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। बट बिफोर दैट दोस्तों, ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पार्क 70 6000 मिली एम्पियर आर ऑरेंज बॉक्स। ये कलर का बॉक्स मैंने शायद अभी तक नहीं देखा है। इट इज ब्राइट, राइट अप फ्रंट फोन है। ऑलराइट, एंड और क्या क्या है बॉक्स के अंदर? नाइस हार्ड केस आती है, वो भी टेक्सचर के साथ। दोस्तों लुक एट दिस, नॉट बैड एट ऑल, आई लाइक दैट। डॉक्यूमेंटेशन एंड 10 वॉट का चार्जर है। माइक्रो यूएसबी केबल दोस्तों, टाइप सी होता तो अच्छा होता। एंड सिम कार्ड टूल भी आता है। याद रखिए दोस्तों, ये जो फोन है ये 8999, इसका जो बेस वेरिएंट है 8999 का है, लेकिन अगर आप बाय करोगे पहले ही दिन के सेल के ऊपर तो आपको 1000 रुपए ऑफ मिलेंगे। 7999 मतलब अंडर 8000, उस हिसाब से हमें देखना होगा इस फोन की तरफ। ओके, लेट्स कीप ऑल दिस असाइड। ऑलराइट, निकालते हैं स्टिकर। ब्रांडिंग, स्पार्क की ब्रांडिंग आती है दोस्तों, एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर या फिर डिजाइन मैं कहूंगा। लुक एट दिस, एक बात जरूर है दोस्तों, इट डज नॉट लुक लाइक अ 7-8000 रुपी फोन। 8-9 हज़ार का या 7-8 हज़ार का फोन नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि 10-12 हज़ार का फोन है। सो लुक वाइज आई विल से क्वाइट गुड। थोड़ा बड़ा जरूर है क्योंकि 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, बट डिसेंट होल्ड है। जी हाँ, इन हैंड फील जो है ठीक ठाक है। छोटे हाथ होंगे तो थोड़ा बड़ा लगेगा, वरना हाथ में फिट ठीक ठाक होगा। आई लाइक दिस केस, सीरियसली कहता हूं, अच्छी केस है। लुक एट दिस, गिरा के देखना है। ऑलराइट, थोड़ा हैवी है इसलिए, लेकिन गिराएंगे जरूर। नो नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, देखते हैं। ओहो, लेट्स सी। नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। सो डिसेंट केस है, हार्ड केस जैसे मैंने बताया। चलिए दोस्तों क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रो यूएसबी, 3.5 mm जैक, लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे मिलता है, ऊपर कुछ नहीं। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन एंड पावर ऑन ऑफ बटन। और हाँ दोस्तों, पीछे की तरफ फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करूं, दिस शुड बी डेफिनेटली अराउंड 200 ग्राम्स मेरे हिसाब से। देखते हैं, या 202-203 grams है। So like I said, because of that big battery. चलिए दोस्तों, time to start the phone. वैसे हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों जब तक चालू हो जाता है मैं बता देता हूँ कि इसमें तीन कलर्स आते हैं, मैग्नेट ब्लैक, नेबुला ऑरेंज, ज्वेल ब्लू। ऑलराइट, लुक एट दैट डिस्प्ले दोस्तों, नाइस डिस्प्ले, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, 6.52 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, 90.34% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, इसीलिए बेजल्स वगैरह मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली छोटे हैं। वाटर ड्रॉप नॉच आती है, नॉर्मल चिन है, एवरेज साइज स्लाइटली अबव एवरेज, बट जैसे मैंने कहा 90.34 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, सो वेरी नाइस। वैसे 480 निट्स ब्राइटनेस भी है, इसका मतलब ब्राइट स्क्रीन आती है। वैसे दोस्तों सिम कार्ड देखते हैं। ऑलराइट, इट हैज अ डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। इसमें आता है हीलियो G35 प्रोसेसर, जो मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, क्वाइट पॉपुलर विद मेनी फोन्स, तो प्रोसेसर अच्छा है। 4GB रैम आती है दोस्तों, यस 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज बेस वेरिएंट, जिसकी प्राइस 8999 है और अभी आपको 7999 में मिलने वाला है। 6000 मिली एम्पियर की बैटरी आती है, 10 वॉट चार्जिंग। अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, आराम से आपको इवन मॉडरेट यूसेज में 1.5 से 2 दिन तक जाएगी, हैवी यूसेज में 1 दिन से ज्यादा, इनफैक्ट 1.5 दिन तक चली जाएगी। क्यों? क्योंकि HD प्लस स्क्रीन है, सो इट टेक्स लेसर बैटरी एंड 6000 इज अ बिग बैटरी साइज, सो यस। दोस्तों रैम टाइप के बारे में बात करूं तो LPDDR4X रैम आती है एंड स्टोरेज टाइप इज eMMC 5.1। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। G35, G स्टैंड्स फॉर गेमिंग, तो लो सेटिंग्स पे आप आराम से गेमिंग वगैरह कर पाओगे। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला इसके ऊपर, इट डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और रेगुलर यूसेज में मैं कहूंगा ठीक ठाक है। टोटली बहुत ज्यादा हैवी ऐप वगैरह करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्टटर होगा, बट नॉर्मल ऐप्स वगैरह करोगे, नॉर्मल गेम्स खेलोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। दोस्तों अगर अंततः स्कोर के बारे में बात करूं तो 1 लाख के ऊपर स्कोर आता है। बड़ी बैटरी के साथ दोस्तों और एक बड़ी चीज है,
48 मेगापिक्सल कैमरा। जी हाँ, ये डुअल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और AI लेंस है, सेकंड मेगापिक्सल नहीं पता बट AI लेंस है एंड 48 मेगापिक्सल। इस प्राइस रेंज में 48 मेगापिक्सल जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, 9-10 हज़ार की प्राइस रेंज में मिलता है, अराउंड 10,000, बट दिस हैज अ 48 मेगापिक्सल प्लस क्वाड LED पीछे की तरफ मिलता है। और दोस्तों, वाटर ड्रॉप नॉच में आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है और जैसे पहले बताया दोस्तों, आपको LED फ्लैश भी मिलता है, डुअल LED फ्लैशेस। वैसे दोस्तों, स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखा रहा हूं आपको, जरूर बताएगा आपको ये फोटोज कैसे लगे। मेरे हिसाब से ठीक ठाक कैमरा सेटअप है। दोस्तों, सेंसर्स के बारे में बात करूं तो जायरोस्कोप नहीं है, बाकी सब सेंसर्स आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ आता है, फिजिकल विच वर्क्स वेल, फेस अनलॉक भी है जो अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है एंड डुअल बैंड वाईफाई आता है। दोस्तों, अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो बड़ी स्क्रीन है इस प्राइस रेंज में, अगेन 6.52 आई विल से वेरी वेरी डिसेंट स्क्रीन साइज एंड इट इज ब्राइट ऑल्सो, कलर्स भी अच्छे दिखते हैं, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है अच्छा है। IPS LCD होने की वजह से Not all that great, जो viewing angle जिसे कहा जाए इतने अच्छे नहीं है, but overall आगे से आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। उतना ही नहीं, आप video वगैरह देख रहे हो, front firing speaker है। जी हाँ, नीचे की तरफ speaker grill नहीं है, these are front firing speakers, ऊपर जो earpiece है उधर ही speakers भी आते हैं। बाकी के features के बारे में बात करूँ दोस्तों तो wideband L3 का support है, HD screen है तो L3 is okay, camera 2 API का support है, इसका मतलब Google Cam का port आप इस्तेमाल कर पाओगे, FM radio आता है and SAR value within limits। Finally बात करते हैं OS के बारे में दोस्तों, iOS 7.6 आती है, which is based on Android 11 और मेरा सिक्योरिटी पैच आता है। वैसे दोस्तों, इस OS के अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स मुझे दिखे, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं। एक वॉइस चेंजर फीचर आता है, इसका मतलब फोन कॉल कर रहे हो आप और आपका आवाज बदलना है तो आप कर पाओगे। और एक पीक प्रूफ नाम का एक फीचर आता है, जहां पे बेसिकली कोई आपका फोन देख रहा है, आप कुछ कर रहे हो और आपको ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है स्क्रीन के ऊपर, तो सिर्फ जितना आप देख रहे हो उतना ही पार्ट आप हाईलाइट कर पाओगे, बाकी का सब डार्क हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। पीक प्रूफ इंटरेस्टिंग फीचर, आई एम नॉट श्योर हु विल यूज इट बट यस इट इज देयर। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं, ये सब कुछ देखने के बाद 48 मेगापिक्सल, 6000 mAh की बैटरी एंड प्राइस 7999, स्पेशली द इंट्रोडक्टरी ऑफर, मैं कहूंगा दिस इज अ होल लॉट ऑफ फोन फॉर दैट प्राइस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।